प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का एक मस्त आइडिया लेकर आया हूँ। वो मस्त आइडिया इसलिए है क्योंकि उसे करते हुए आप खेल खेल में एंटरटेन करते हुए अंग्रेजी सीख जाते हो। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, किसी भी काम का रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि उस चीज़ पर, उस काम को करते हुए आपके माइंड ने रिएक्ट कैसे किया था, क्या रिएक्शन दिया था। अगर किसी चीज़ पर, किसी काम पर आपके माइंड ने एक बोरिंग रिएक्शन दिया है तो रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को, किसी काम को आपके माइंड ने एक उत्साह के साथ लिया है, एक जोश के साथ लिया है, तो फिर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है राइट, जो एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है लिखना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जिनमें हर एक में ये राइट वर्ब नजर आए, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग फील लगे, या फिर ना भी लगे तो आप कैसे करोगे, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई राइट अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, इस तरह से आप 10 सेंटेंस लिख दोगे, आपको कोई खास मजा नहीं आएगा। लेकिन इसी चीज को अगर मैं टास्क के रूप में आपको दे दूं, थोड़ा इसमें एक चैलेंज बना दूं, तो फिर आपका माइंड इसको एक उत्साह के साथ लेगा, एक जोश के साथ लेगा, एक चैलेंज के रूप में लेगा। जैसे मैं कहूं कि आपको राइट वर्ब को लेते हुए 10 ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिनमें सभी में सब्जेक्ट अलग हो, ऑब्जेक्ट अलग हो, तो फिर आपका माइंड सोचेगा हाँ यार अब कुछ मजा है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं, तो कहीं ना कहीं फिर एक टास्क है, एक नॉर्मल काम नहीं है। तो साथियों, अब तक जो मैंने कहा उसको मैं करके दिखाऊंगा। इस राइट वर्ब को लेकर मैं 10 ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा जिनमें से प्रत्येक का स्ट्रक्चर अलग होगा, यानी प्रत्येक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट होगा। ये जो राइट वर्ब है जिसका अर्थ होता है लिखना, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट यूजेज के साथ देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखोगे। आप इसको एडजेक्टिव के रूप में भी देखोगे, नाउन के रूप में भी देखोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी देखोगे। तो कहीं ना कहीं जो राइट वर्ब है उसको लेकर हम एक टास्क करेंगे, और उस टास्क को करने के बाद आपको फील होगा कि वास्तव में अंग्रेजी को एक खेल बनाया जा सकता है, यानी खेल खेल में सीखी जा सकती है एक चैलेंज को लेकर के। और आपको ये सिखाने के बाद, ये एग्जाम्पल करवाने के बाद, फिर आपको लास्ट में एक टास्क दूंगा जो आपको जरूर पूरा करना होगा। और फिर देखना कि जब आप, मैं जो टास्क आपको दूंगा उसे करते हुए आपका माइंड क्या फील करता है, उस फील पर ही आपका अंग्रेजी सीखना, आपका रिजल्ट निर्भर है। तो चलिए पहले मैं मेरा टास्क पूरा करता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो अब चलिए देखते हैं मैंने इस टास्क को कैसे पूरा किया। अब देखने में ये 10 सेंटेंस है, और इनमें से हर एक सेंटेंस में राइट वर्ड आप देख रहे हो, बट ध्यान रखना इनमें से प्रत्येक सेंटेंस एक अलग ही मूड का है, प्रत्येक सेंटेंस में एक अलग ही ग्रामर के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। जैसे देखिए, रिटर्न रिटर्न, लेकिन दोनों का सेम यूज नहीं है, दोनों ही एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने होंगे। जैसे राइटिंग राइटिंग राइटिंग, अब इन तीनों का आप डिफरेंट डिफरेंट यूज देखोगे। देखिए, अगर आप एक न्यू लर्नर हैं तो आज के वीडियो में आपको ग्रामर के बारे में काफी जानकारियां मिलेंगी। और सबसे खास बात, ये टास्क मैंने पूरा किया, इस टास्क के बाद मैं आपको एक टास्क देकर जाऊंगा जिसे आपको जरूर पूरा करना होगा, और मुझे विश्वास है कि वो काम करने में आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि जब एक टास्क हम लेते हैं तो एक चैलेंज लेते हैं, और चैलेंज को पूरा करने में हमारा मन लगता है। तो देखिए, राखी राइट्स अ पोयम डेली, पहला सेंटेंस। इसमें जो आप राइट्स को देख रहे हो, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, के रूप में आया है, और इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है जब हमारा सब्जेक्ट, जैसे राखी सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई रोट अ शॉर्ट स्टोरी यस्टरडे, कल मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी। तो यहां पर जो आप रोट को देख रहे हो, ये आप सेकेंड फॉर्म को देख रहे हो, जिसे हम ग्रामर की भाषा में पास्ट फॉर्म कहते हैं, और इसका यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, किसी पास्ट के एक्शन को बताने के लिए। नेक्स्ट है, टू राइट नॉवल्स इज अनिल सोबी, टू राइट, अब यहां पर टू राइट क्या बोल रहा है, लिखना, टू राइट नॉवल्स, नॉवल लिखना इज अनिल हॉबी, अनिल की हॉबी है, अनिल का शौक है। तो आपको एक खास बात ध्यान रखनी होगी, यहां पर जो राइट है ना, ये एक वर्ब नहीं है, एक नाउन बन गया। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो वो एक इन्फिनेटिव कहलाता है, और वो एक वर्ब नहीं होता, एक नाउन होता है। नेक्स्ट देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपने बचपन में खूब इसको लिखा होगा। जब भी हम प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। अब ये क्या चीज है, ये बेस फॉर्म है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, एक आदेशात्मक वाक्य है। तो कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो ये एक बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर ये एक इंपरेटिव सेंटेंस को बना रही है। नेक्स्ट देखिए,
माय ब्रदर हैज रिटन अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिख चुका है। यहां पर रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका मेन यूज क्या होता है, तीनों परफेक्ट टेंस बनाने में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान रखना, तीनों ही परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और यहां पर ये इसी रूप में आया है, हैज के साथ आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, माय ब्रदर हैज रिटन अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिख चुका है। लेकिन आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओनली रिटन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, केवल रिटन लिखित या लिखी हुई एप्लीकेशंस प्रार्थना पत्र विल बी एक्सेप्टेड, स्वीकार की जाएंगी। अब यहां पर ये बोल रहा है लिखित, तो ध्यान रखना वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल तो होता है, बट वो सिर्फ वर्ब का काम नहीं करता, वो कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाता है। और यहां पर एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जो एप्लीकेशन है ना उसकी एक विशेषता बता रहा है कि वो लिखित है, लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, सी इज राइटिंग एन ऐसे, वह एक ऐसे लिख रही है, तो ये राइटिंग आप देख रहे हो। तो ध्यान रखना जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो फोर्थ फॉर्म कहलाता है, ग्रामर की भाषा में हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो मेनली यूज होता है वो तीनों कंटीन्यूअस टेंस बनाने में होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीनों कंटीन्यूअस टेंस में ये एक काम को प्रोग्रेसिव फॉर्म में यानी जारी रहने की अवस्था में दिखाता है। जैसे सी इज राइटिंग, वह लिख रही है, और ऐसी अवस्था में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म रहा, रही, रहे बोलता है, जैसे गोइंग जा रहा, कमिंग आ रहा, प्लेइंग खेल रहा। लेकिन नेक्स्ट देखिए, राइटिंग मेक्स यू मैच्योर, मतलब लिखना तुम्हें परिपक्व बनाता है। तो यहां पर राइटिंग क्या बोल रहा है, लिखना, ध्यान रखना लिख रहा नहीं बोल रहा, यहां पर क्या बोल रहा था, सी इज राइटिंग, वह लिख रही है, तो लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ये राइटिंग, लिखना। तो ध्यान रखना अब भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन हमारे सामने एक जीरंड के रूप में आया। जीरंड क्या होता है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो एक नाउन का काम करे, जीरंड कहलाता है। तो यहां पर राइटिंग मेक्स यू मैच्योर, लिखना तुम्हें परिपक्व बनाता है, तो एज अ सब्जेक्ट आया है। और ध्यान रखना एक जीरंड एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आ सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे आई लव राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है। तो यहां पर राइटिंग क्या है, लिखना, एक जीरंड है, एक नाउन है। ध्यान रखना यहां पर ये राइटिंग एक वर्ब नहीं है, एक नाउन है। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग एन आर्टिकल, अब फिर राइटिंग आ गया, यहां पर एक और ही यूज में आया, एक और ही अर्थ में आया, राइटिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल, एक लेख लिखते हुए ही केम अक्रॉस अ वंडरफुल आइडिया, उसको एक अद्भुत विचार आया, एक आश्चर्यजनक विचार आया। तो यहां पर राइटिंग क्या बोल रहा है, लिखते हुए, ध्यान रखना यहां पर क्या बोल रहा था, लिख रहा, यहां पर लिखना और यहां पर लिखते हुए, अब भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूज है। यहां पर ये क्या है, यहां पर एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, एक विशेषता है, किसकी, राइटिंग एन आर्टिकल, ही केम अक्रॉस, एक आर्टिकल लिखते हुए, एक लेख लिखते हुए, ही केम अक्रॉस, वह संयोग से आया, उसको संयोग से आया, ए वंडरफुल आइडिया, एक आश्चर्यजनक विचार। ये राइटिंग इस ही के बारे में कुछ बता रहा है कि उसकी क्या विशेषता है, कि लिखते हुए उसको विचार कब आया, जब वो लिख रहा था, लिखने की स्टेट में था। तो यहां पर एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और ये मॉडिफाई कर रहा है इस ही सब्जेक्ट को, एक ही की एक विशेषता हमारे सामने आई कि लिखते हुए। तो आपने यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीन यूज देखे, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में, ये जीरण के रूप में, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में, एक विशेषण के रूप में। और लास्ट देखिए आप, रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास, रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, ये क्या फॉर्म है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में इसका यूज हमने किया। तो साथियों ये था वीडियो, आपने एक राइट वर्ब को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्ट्रक्चर में देखा। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक टास्क अपने आप को दे सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पढ़ाई को एक खेल बना लो, अपने लिए खुद एक टास्क दो, एक अच्छा सा टास्क दो, उसमें एक खेल हो, उसमें आपके लिए एक चैलेंज हो, फिर देखो आपको पढ़ने में कितना मजा आता है, आपको एक्सपेरिमेंट करने में कितना मजा आता है। मैं अपनी क्लासेज में अक्सर यही करता हूं, ऐसे स्टूडेंट को अलग अलग टास्क देता हूं और वो मजे से उस काम को करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि उस काम को करते हुए उनको कितनी देर हो गई। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी फीलिंग को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एक टास्क देना चाह रहा हूं। जैसे ये तो था हमारा राइट वर्ब, अब मैं आपको देख जा रहा हूं कि आपको जो कुक वर्ब है पकाना, आपको इस पर इसी तरह से 10 सेंटेंस बनाने हैं। अब उन 10 सेंटेंस में सबसे खास बात क्या है, देखिए इन सेंटेंस में कोई भी चीज मैंने रिपीट नहीं की, यहां तक कि जो हम लिख रहे हैं ना उस चीज को भी मैंने रिपीट नहीं किया। देखिए यहां पर लेटर आ गया, यहां पर स्टोरी आ गई, यहां पर पोयम आ गई, और यहां पे ऐसे आ गया, यहां पे आर्टिकल आ गया, यानी अलग अलग चीजों को मैंने लिखा। तो ऐसे ही आप जो कुक करोगे ना, तो सिर्फ फूड फूड के पीछे मत पड़ जाना, कुछ अलग अलग आइटम्स लाना,
तो आपके सेंटेंस में एक रोचकता होगी, एक नयापन होगा, तभी सामने वाले को वो अच्छा लगता है। हर बार सब्जेक्ट चेंज करना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से आपने राइट वर्ब को इन 10 सेंटेंस में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेज में देखा, उसी तरह से आप कुक वर्ब को भी ऐसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट यूज के साथ दिखाइए। मैं कह रहा हूं यकीन करना, इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम प्रैक्टिस तो करें बट अपने तरीके से करें, एक टास्क बना के करें, कुछ थोड़ा सा टफ करें, फिर देखना आप कैसे सीखते हो। और हाँ, जो मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए थे, जैसे इन्फिनिटिव है, जीरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।